हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं एक मनोविकार तज्ञ, सेक्स रोग तज्ञ, सम्मोहन विशेषज्ञ, नशा मुक्ति तज्ञ, NLP ट्रेनर और एक कोच हूँ। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप जो भी काम करते हैं उसमें यदि कभी ब्रेकडाउन आ जाता है तो उस समय क्या करना चाहिए। होता क्या है कि आप कभी कभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेते हो या बड़ा कोई फ्यूचर क्रिएट करते हो, बड़ा कुछ एम रखते हो, और फिर वो एम रखने के बाद में या एक गोल रखने के बाद में या फ्यूचर क्रिएट करने के बाद में हम उसके लिए तैयारी करते हैं, काम करना चालू करते हैं, और ऐसा कुछ तो भी बड़ा हादसा हो जाता है कि जिससे कि वो ऐसा लगता है उस समय कि अभी ये होगा नहीं। एक तो ब्रेकडाउन हो जाएगा पैसे के बारे में या रिश्तों में, या ऐसे कोई तो भी बड़ी अड़चन आ जाती है कि ऐसा लगता है कि अभी ये होगा नहीं। उस समय हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, भावना विवश हो जाते हैं। इमोशनल होकर भावनाओं की रिएक्शन आ जाती है ना, बहुत बड़ा रिएक्शन हम करते हैं, डाउन हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, टेंशन हो जाएंगे, एंग्जाइटी आ जाएंगे, घबराहट होंगी, रेस्टलेसनेस होगा, उदासीनता आएंगी, और ये कैसा हो गया, और एकदम ऐसा धक्का बैठ जाएगा कि अभी कैसा। या फिर काफ़ी वो प्रोजेक्ट करने के समय काफ़ी अड़चनें आएंगी कि ऐसा लगता है कि अभी मैंने वो प्रोजेक्ट छोड़ देना चाहिए, करने नहीं चाहिए मैंने। उस समय क्या करना उसके बारे में बता रहा हूं कि जब भी कभी ऐसा होता है कि जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपको सफलता मिलने में अड़चन आती है, जहां भी आप अटक गए, वहां सबसे पहले काम जो करना है वो भावना विवश नहीं होना, भावना अतिरेक नहीं होना चाहिए, भावनाओं में अकड़ नहीं जाना चाहिए, या भावना में गूंथना नहीं चाहिए कि भावना में अकड़ गए, भावना में जकड़ गए, फेल हो गए, कोई अड़चन आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई हादसा हो गया, कोई नुकसान आ गया, ओके, जो भी हो गया वो ठीक है, जैसा भी है उसको पहले एक्सेप्ट करो और उसको एक्नॉलेज करो कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, जो मुझे करना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, अभी वो अड़चन आ रही है, ये समस्या आ रही है। ये जो समस्या है उसको नोट डाउन करो, उसके साथ में रहो, लोगों के साथ में चर्चे करो, लोगों को बताओ, अपने करीब के जो लोग हैं कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा था, इसमें यह प्रॉब्लम आ गया। तो जब आप लोगों को बताते हो, लोगों से चर्चा करते हो, लोगों की राय लेते हो, अपने आप को जरा शांत रखते हो, एट पीस रखते हो, ना कोई ना रिएक्ट करते हो, है ना, कोई रिएक्शन ना करते हो, शांति से बैठना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपने आप में झांक के देखना है कि मेरी क्या गलती हुई, क्या मैंने ऐसा करना चाहिए था वो नहीं किया, क्या नहीं करना चाहिए था वो किया। तो ऐसा यदि हम पूरा ब्यौरा लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं कि मैंने क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, और ना कि इमोशनल हो जाना, ना कि इमोशनल रिएक्शन देना, और जब हम बैठे हैं शांति से बैठो, थोड़ा सा टाइम जाने दो, और देखो कि मेरा उद्देश्य क्या था, मुझे करना चाहिए क्या था, जो मुझे गोल हासिल करना है वो है क्या, अब उसके लिए जो भी मैंने एक्शन लेना था वो मैंने कौन सी एक्शन लेना चाहिए, उसकी लिस्ट बनाओ कि मैंने कौन सी एक्शन लेना चाहिए। उसकी यदि एक्शन की हम लिस्ट बना दें कि भाई मैंने ये कृति करना जरूरी है, नई कृति कौन सी करना चाहिए, जो कृति किया वो उसका फ़ायदा हुआ नहीं, बाजी रखो, नई कौन सी कृति मैंने करना चाहिए, वो कृति की एक लिस्ट बनाओ, और वो कृति की लिस्ट बनाने के बाद में फिर से नए सिरे से एक्शन लेना चालू करो। जब आप फिर से एक्शन लेना चालू करेंगे और नई एक्शन लेंगे, जो एक्शन से नुकसान हुआ था, जो कृति करने से नुकसान हुआ था वो बाजी रख दिया, नई कृति करना चालू करेंगे, तो जरूर आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पहुँच जाएंगे। सिर्फ वक्त लगेगा, हरकत नहीं, कोई ब्रेकडाउन आ गया, कोई अड़चन आ गई, विफल हो गए, थोड़ा पीछे आना पड़ा, दो कदम पीछे आ गए, कोई चिंता का काम नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, फिर से बैठो, एक ही काम करना है कि बहुत ज़्यादा भावना विवश नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसा अपसेट होके बैठ गए ऐसा ना करते हुए, प्रॉब्लम आएगा ही, जब हम कोई बड़ा काम करते हैं, बड़ा गोल रखते हैं, तो प्रॉब्लम आएंगे, और वो प्रॉब्लम आएंगे करके कोई काम करना नहीं, ऐसा नहीं, प्रॉब्लम आएंगे तो प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, अभी उसको कैसा हैंडल करना हो प्रॉब्लम को,
उसको कैसे बाजू में करना, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए कि मैं प्रॉब्लम को बाजू कर दूँ और मुझे जहाँ जाना है मैं वहाँ जा सकूँ, तो उसका प्लान बनाना और वो प्लान के मुताबिक हम यदि कृति करते हैं तो जहाँ भी हमें पहुँचना है वहाँ हम पहुँच जाएंगे। तो आज आप बैठिए, देखो कि हमको कहाँ कहाँ हमने काम करना रोक दिया था, कहाँ कहाँ सेटबैक आ गया, कहाँ कहाँ इमोशनली हम डाउन हो गए करके हमने काम बंद कर दिया, वो देखो। नई कृति में क्या क्या कर सकता हूँ उसकी लिस्ट बनाओ और काम करना चालू करो। आपके परिचित ऐसे बहुत लोग होंगे कि जिन्होंने भी आपके जैसा ऐसा कुछ काम बंद कर दिया होगा, काम करना छोड़ दिया होगा, काम में अड़चन आ गई वहाँ चुपचाप बैठ गए होंगे, भावना विवश हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कुछ किया होगा कि भावना विवश हो गए, तो उनको ये वीडियो जरूर पास करो ताकि उनको यहाँ से कुछ ना कुछ ओपनिंग मिलेगा, वो काम को लग जाएगी। आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।